परिवार वाले भी तुम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें भी हो रही हैं, लगातार दुश्मन भी तुम्हारे पीछे पड़े हैं, लेकिन शत्रुओं का उतना डर नहीं है। हमें दो चीजों का तुम्हारे निजी जीवन के लिए आदेश आया। एक, प्यारे बेटा, व्यापार कुछ डालो, आज से पूर्ण समर्पण भाव से नाम जप करो, आज से उनको पकड़ो, हम तुमको निजी जीवन में सफल करवा देंगे, रोजी रोटी आर्थिक तंगी पर कृपा हो जाएगी, जाओ, आशीर्वाद है। हम बोलेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारे जीवन में ये रास्ता इस सन में ये गोला के अंदर है तुम्हारा, इस सन में नवंबर और दिसंबर के महीने में आ जाएगा, आशीर्वाद। भगवान पधारो नजदीक। कहां से आए हैं दाता? हरियाणा में कहां से? नमः पार्वती पते हर हर। अरे बालाजी सीताराम, कहो महाराज क्या आज्ञा है हमारे लिए, पूछो। ठीक है, और क्या जानना है? घर का जानना है, काम का जानना है, ठीक है। बच्चों की शादी नहीं करवानी? अच्छा, वो भी तो पूछ लो। पढ़ो, घर में बीमारी नहीं रहेगी, काम होने लगेंगे, व्यापार मध्यम है, रुकावट बन गई है, चलने लगेगा 100%, व बच्चों का विवाह योग अगले साल से ही बन जाएगा, आशीर्वाद है। बराबर, कोई संदेह? विवाद किससे हुआ था? आपस के बंटवारा वाला था, हैं? उसका भी हमारे पास आ चुका है, अभी वर्तमान में तो निपट रहा है, उसमें आप बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना मिला उतने में संतुष्ट रहो। उस विवाद पे जय जय हो गई, तुम मुंह चला देते हो बीच बीच में, वो भी बंद करो, वो निपट चुका है, जितना तुम्हारे भाग्य का था वो तुम्हें मिल चुका है, इसलिए अब माहौल खराब ना करो, आशीर्वाद। कोई संदेह? चरण पाद का कहाँ है हम पे? एक है जो भाई कह लेने दो, हम तुम्हें दूसरी दे देंगे, तुम वहां बैठो हम दे देंगे, मालिक दे देंगे, अगर तुम उपनय ना कर दो हम देंगे। अच्छा, आइए आओ इधर भाई, ये बच्चा किसी का एक्स्ट्रा हो गया है और हमारे पास आ गया है, जिसका भी एक्स्ट्रा हो डस्टबिन में ना डालना हो तो ले लो, नहीं तो हमें दे दो। और बेटे, अरे वाह वाह वाह, एक का सिक्का चढ़ा रहे तुम तो, ले ले ना चॉकलेट का भाव। ए भाई साहब, देखिए आइए, खुश रहो। किसका अतिरिक्त हो गया ये पीली टी शर्ट वाला बच्चा? चलो हम बता रहे हैं, मैं तुमके माता पिता को बुलाऊंगा, आइए। नहीं है सो पांडे जी, तो मर्जी लगाओ, हम इसके माता पिता का नाम बताएंगे, गांव बताएंगे, तुम्हारी भी लगाओ, पैसे जमा करनी पड़ेगी, गांव का नाम बताएंगे, किसका लड़का है ये बताएंगे, बाप कौन है ये बताएंगे, अर्जी लेकर तुम्हें लगानी पड़ेगी, हम क्यों लगाएं? तुम्हारा हो गया, क्या हो बहन जी, क्या वैज्ञानिक पद्धति का है क्या, ऐसे ही छोड़ दिया तुमने?
हम समझ गए सिक्का चढ़ाने आया था आशीर्वाद लेने का, हम तो मजाक कर रहे थे, हमने आशीर्वाद दे दिया खुश रहे। रोइए मत बहन, बहन भी आई क्या सामान हम चाहिए आपका? हमने भी ऐसे ही लिखा, कलेश नहीं बनेगा, सभी परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा, आप भयभीत हैं, चिंतित हैं, पति के काम को लेकर, बच्चे की उन्नति को लेकर, धन तंगी को लेकर, बीच बीच में बच्चे की बुद्धि कमज़ोर लगने लगती है जिस कारण चिंतित हो जाती हैं, पर नाम रोशन करेगा, माता पिता परिवार जन सभी एकता के साथ रहेंगे, कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटने वाली है, जाओ आशीर्वाद है। बालाजी चीज है, ये तो खाना बन बरदानी दिया हुआ है। महादेव भोलेनाथ की भक्ति करती हैं आप, शंकर जी के उपासक हैं, लगातार 2018 से उपासना तेज की थी आपने, उन्हीं का दिया हुआ है, तीक्ष्ण बुद्धि होगी, आप इसके निमित्त में 2 से 3 बार अखंड रामायण का पाठ वर करवा दें, माता जी को भेज देना है, पति के लिए हम कवच दे देंगे, आज से ही जैसे होगी और कोई भी अनहोनी नहीं होगी। उल्टा हो गया, हमको अभी समय लगेगा, पहले ये वाला निपटा दें, पहले घर को सुरक्षित कर दें, फिर उन अधिकारियों की यहाँ से कुछ गड़बड़ी हुई है उसको हम ठीक करवा दें। पधारो, हाँ आज रात की पूजा भी पधारो। कहाँ से हो, क्या नाम है भगवान, पहली बार आए हो, तेरा माए से आ रहे हो, राम कहो, बोलो क्या समाधान बागेश्वर बालाजी से पाना चाहे। जय हो महाराज, तुम क्या चाहते हो? हाँ, और पढ़िए, बुद्धि विचित्र है, तैयारी तेज करें तो भला होगा, वर्तमान में कुछ नहीं हो पा रहा, दरबार में नौकरी की अर्जी लेकर आए, 100% प्राप्त होगी, माता पिता के पैर व शरीर की पीड़ा भी ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। पढ़ो और पढ़ो, एक मिनट का समय दो, पानी बटन।
उनके संपर्क दृष्टि बात करना। राम गुरु जी सीताराम क्या तैयारी कर रहे हैं पढ़िए। यहां से फिर लिखा नौकरी योग तुम्हारा सन 2027 9 मई के पहले ज्वाइनिंग होगी शिक्षा प्रमुख के पर बैंक में आपकी ज्वाइनिंग होगी आशीर्वाद है। बराबर कोई संदेह हाँ गुरु जी बहरे हो गए आइए। इसके बाद सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार अगली अर्जी पर संकेत श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में अंतिम छोर के कोने में दीवाल से चिपके हुए बिल्कुल जो पीले रंग का वस्त्र पहने हुए विराजमान है हाँ तौलिया पीले रंग की डाले हुए आ जाइए चुनाव जैसे नेतन जैसे हाथ ना जोड़ो भगत आओ। बस भैया उठ बैठो ज्यादा लंबो प्रणाम ना करो इधर आओ। कहाँ से आए उसका बटन चालू करेगा तो? अच्छा पहली बार आए राम हाँ क्या समाधान पाना चाहते हो ठीक है पढ़िए। घर में धन तंगी कर्ज हो गया हैरान बहुत है टोटका का प्रयोग बच्चे पर किया गंदी शक्ति का उत्पात मचाता सुनता नहीं है उल्टा चल रहा है गलत हरकतें कर रहा है मरने मारने के लिए तैयार है वह गला लेंथ देंगे ऐसा उल्टा बोलता है उसकी बुद्धि ठीक होगी सुनेगा उच्चाटन कटेगा आज से ही आराम लगेगा जा आशीर्वाद है। ये बड़ा वाला है ना इसकी संगत खराब हो गई है बड़े वाले की बहुत ज्यादा छोटा ठीक है उसको सत्मार्ग में चलाओ अभी वो बच्चा है 11 साल का बच्चा है छोटा तुम्हारा छोटा बेटा 11 साल का बच्चा है उसको सही रास्ते पर चलाओ अभी उसकी उम्र ठीक है उसे संस्कार दो बालाजी के दर्शन करवाओ बड़े वाली की फोटो दो कहते आवे गिलाने मना रहा उनकी बुद्धि उल्टी रहा हम बुलवा ले चरणन में जय जय हुई है बात मान है जाओ संदेह चलो भेजो लोहे के पाइप के पास में जो माता जी विराजमान है काला स्टॉल डाले हुए सिर पर आप आ जाए आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है जो पीछे मुड़कर देख रहे हैं हाँ आ जाइए काला काला स्टॉल सिर पर डाले गए जी जी
कहां से हो? पहली बार? तीसरी बार आए? किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? किसी ने पूछा तो नहीं? राम गुरुजी सीताराम, दोनों हाथ भाग के बोलो बागेश्वर धाम की। भाड़ा लगाना हम लगाए दे रहे दोस्त में। क्या समाधान चाहते हैं? मैं तो भक्ति करना चाहता हूँ। कुछ लोग ये वो भक्ति का करें उस भक्ति को बाधा लग रहा है परिवार संसार चलता रहे। और मेरी तीन लड़कियाँ हैं उसमें से एक लड़की दी गई है उसे बाएँ हाथ पैर कम काम करते हैं लड़की और एक लड़के की इच्छा है और ठीक है और जो कि घर पूरा सब कुछ परेशान है भाई ये आप खराब हो गई है उसको भी दिक्कत है पूरा घर परेशान माँ को भी दिक्कत बनी हुई पैर में दिक्कत बनी कोई काम नहीं होता मन उच्चाटित रहता पुत्र की अर्जी लेकर के आए हैं आपने अपने प्रश्नों को हाथ की हथेली पर लिख करके रखा है स्मरण के लिए भाई की बुद्धि भी उच्चाटित रहती है जाओ आपके घर में पुत्र योग की किलकारी गूंजेगी 2.5 साल के अंदर आशीर्वाद है क्या ये सही बातें हैं बराबर माता जी को लाना है ठीक करते रहो आगे योग है आते हैं आपके निवास के पास में ये देव स्थान कौन सा है अभी भी लोग अभी भी उनका अवरोध है आज भी शक्तियों का कहना है उसी देव स्थान के पास तो मैं पहले जाना पड़ेगा उनकी पूजा बंद है वो बहुत सिद्ध हैं और सिद्ध ही कहलाते हैं नाम चलते हैं वो महात्मा है वहाँ के प्राचीन महात्मा है तुम्हारे परिवार के वो रक्षक हैं तुम्हारे यहाँ 3 पीढ़ी से पूज रहे थे वर्तमान में 2 पीढ़ी से पूजना बंद है उनकी नाराजगी है गांव जाओ उनके पास में चिलम और नारियल रख दियो बाकी हम कर दे भी उपाय आशीर्वाद है कोई संदेह एकदम सही अब कछु बाद में पूछ लाइए पूरा खानदान एक बार में निपटा दू या खुशी मैंने पहले भक्ति कर फिर पाप ले अच्छा देखा लिया देखो बढ़िया बजने वाले चूदा हाँ भेजो बस बस छोड़ दे अनुठा पूछ दे जा लड़का का नामकरण संस्कार हम ही करेंगे 2.5 साल के अंदर उठ गया अगर लगेगा तो हम आपको मंगल को बता दें अबे पहले तुम उनके पास जाओ महात्मा के पास देवस्थान पर जाओ वे नाराज बैठे आओ महाशय आयो हर हर साधु जी बालाजी बोल चमिता वाले की नारी अलग चलम चिलम मतलब लगा थे उन्हें यहाँ जरूरी नहीं मौनी बाबा सिद्ध बाबा है मौनी बाबा तो तुम्हें नाम से क्या लेते हैं फिर आने से मतलब के तुम्हें नाम उठाना है रिश्तेदारी है जोड़ने हमेशा साल भर में दशहरा के दिन पूजा होती दशहरा के दिन तुम्हारे बब्बा जात रहे बड़े भाई जाओ माई वाई भाई वेरी भाई भाई धाम पर समय जरूर लगता है लेकिन हमारे सन्यासी बाबा की एक कला है गुरुजी की वो
जब भी तुम्हारा निराकरण करेंगे समय जरूर लगेगा, पर बाल की खाल निकाल करके तुमको समाधान देंगे। तो भाई ये ताला लगा हुआ है, ये चाबी है, खोल लो कमरा खुल जाएगा, द्वार खुल जाएगा सफलता का। यही उनकी कला है कि कितनी पीढ़ियों से तुम्हारा क्या बंद क्या है और किस कारण है। और फैक्ट सहित जो बताएंगे वो फैक्ट सहित यही सन्यासी। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं हाँ फलाने बलाने ऐसा नहीं, जो कहा जाएगा वो फैक्ट सहित, यही गुरु जी की महिमा है। पीड़ा के और